मैं घूमर की बात कर लेते बिकॉज दैट्स द फील वी हैव डन इट. अभी घूमाऊँ मैं, अभी घूमिए. नहीं मैं तो फिर ये ओके तो जिसका बैट बॉल वो आउट होता था वो अपनी बैट बॉल लेकर निकल लेता था, लेकिन फिर हम उसको निकलने नहीं देते थे. जिनकी मुस्कान सच में मंद मंद. आई हैव अंगद, आई एम अस यादिन हु वाचिंग अस ऑन फिल्म अगेन. फर्स्टली हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड टू. अ ब्लैक कोट आई वोर, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है, इट्स फाइन. ब्लैक कोट इसलिए पहनते क्योंकि आपको मैच खेलने का मौका मिलता. नहीं, फिर भी नहीं मिला, लेकिन कोई फायदा नहीं, जिन्होंने खेला वो हार गए. हाउ डू यू सी दिस थिंग दैट इट इज हैपनिंग वेरी फर्स्ट टाइम के जो लोग हैं स्पेशली जो सेलिब्रिटीज है दे प्लेइंग क्रिकेट विद द मीडिया. सो व्हेन यू गॉट टू नो दिस हाउ वाज यू आर एक्सपेक्टिंग के क्या कुछ होगा? देखो मुझे ये पता था कि मीडिया की टीम बड़ी स्ट्रांग है क्योंकि ये लोग रोज खेलते हैं. रोज नहीं तो वीकेंड पर तो ये लोग खेलते ही खेलते हैं. और मुंबई जैसे शहर में ऐसा हो ही नहीं सकता जो इंसान कोई जो कहीं भी हो वीकेंड पर तो क्रिकेट दबा कर खेले. एंड दे टेक इट वेरी सीरियस. सो इट वॉज गुड टू प्ले अगेंस्ट अ वेरी स्ट्रांग मीडिया साइड. एंड लेकिन हम ये भी बता दें कि हम जीते. और लुक एट दिस स्माइल. मैंने बड़ा अच्छा एक कैच भी पकड़ा है, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. और एक ही गेंद पर आउट भी हुए हैं, वेरी प्राउड ऑफ. लेकिन बॉलर इतना तगड़ा आपने रखा है, वो विजय, आई विल नेवर फॉरगेट हिम. उसी की वजह से मैं एक रीमैच करना चाहूंगा. उसी की वजह से, उसी विजय की वजह से आपको विजय मिला है. बिल्कुल राइट शायद. लेकिन फिलहाल हम घूमर की बात कर लेते बिकॉज दैट्स द फील वी हैव डन इट. अभी घूमाऊं मैं, अभी घूमिए. नहीं मैं तो फिर ये ओके. सो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस घूमर? बिकॉज दिस घूमर इज ऑल अराउंड, इट्स इन द बज, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, सियामी, अभिषेक, एंड दैट टू अ लव ट्राइंगल और अ लव यू आर हैविंग फॉर सियामी, वी विल बी एबल टू सी. सो व्हाट यू ऑल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस? ये जो फिल्म है इट्स अबाउट नॉट जस्ट यस क्रिकेट ब्रिंग्स अबाउट अ डिफरेंट इमोशन, लेकिन इट्स अबाउट रेजिलियंस, इट्स अबाउट सैक्रिफाइस, इट इज अबाउट you know whether it is the angst, it is the love, it is sab kuch hai, family support hai isme, overcoming your own disability hai isme. I just feel the heart of this film is in the right place aur isi ki wajah se logon ko ye trailer acha laga hai, bhaya hai aur ab hum chahenge ki जिन्होंने भी ट्रेलर देखा है वो जरूर थिएटर में आके. अंगद बचपन का क्रिकेट याद है, गाली गलौच वाला जिसकी लाठी उसकी भैंस टाइप्स वाला है ना, जो बैट लेकर आए वो ही सबसे पहले करे टाइप्स. हाँ बहुत देखा है. हाँ. वो तो गली क्रिकेट में होता ही था, जिसका बैट बॉल वो आउट होता था वो अपनी बैट बॉल लेकर निकल लेता था, लेकिन फिर हम उसको निकलने नहीं देते थे. बड़े मैच खेलते थे हम ऐसे. बट हाउ इज अभिषेक इन द फील्ड? बिकॉज फिल्म की बात करें तो ऑब्वियसली इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग. इज अ नेचुरल कैप्टन, इज अ नेचुरल बोर्न लीडर. And apart, not just but he is also someone जो अपने rules खुद बनाएगा, जैसे कि आज उन्होंने किए. क्या रूल बनाया उन्होंने? कि एक ही हाथ से बैटिंग होगी. अच्छा इंटरेस्टिंग बना ना फिर. तो एटलीस्ट आपने कला देखी, दूसरों लोगों का पोटेंशियल देखा. नहीं दैट्स आल्सो, सो एट द सेम टाइम मजा आया देखने, वरना तो क्रिकेट ही रहती. सो इट वॉज इक्वली बैलेंस फॉर बोथ. ऐसा नहीं था कोई स्ट्रॉन्ग है कोई वीक है. एक ओवर सब अच्छे से अपना अपना डालो, उसके बाद जो बाकी चौथे सेकेंड ओवर के बाद पांचवें ओवर तक एक एक हाथ से चलेंगे, तो वो इंटरेस्टिंग था. और अभी इंटरेस्ट फील ऑफ द फिल्म, सो अंडरस्टैंड द डिफिकल्टीज दैट अ पर्सन गोस थ्रू. यस, अभिषेक इज रियली अ ब्रेन. टॉकिंग अबाउट द एक्सपेक्टेशंस यू आर हैविंग फ्रॉम द फिल्म फॉर नाउ, बिकॉज पीपल वांट टू सी यू मोर एंड मोर, एंड दे वांट टू सी कि व्हाट्स ऑल न्यू थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ इन द फिल्म एंड सो ऑन. सो व्हाट आर देयर? वेल राइट नाउ इट्स ऑल अबाउट घूमर, एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट वर्किंग विद आर बाल्की ट्वाइस ओवर. सयम इज माय फर्स्ट फ्रेंड इन द फिल्म इंडस्ट्री, एंड हमने काफ़ी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, भी पार्ट ऑफ द सेम इनर सर्कल. इट वाज माय डिजायर आफ्टर मिस्टर बच्चन टू वर्क विद जूनियर, एंड इट्स बीन फुलफिल्ड हियर. होपफुली बाल्की सर एंड मी ऑन अ हैट्रिक चांस. I hope to get one more film with him, or many, many more. But the greed is for the next one. Yeah, and the greed is also that media should win the next time we are having the match. We'll give you an opportunity one more time. Look who is talking, we'll give you an opportunity. Let's see how good you guys are in the next game. Thank you so much. Thank you so much.